हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। पीएम का काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या रिलेशन होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? देखिए, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं वो पीएम को असिस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, असिस्टेंस देते हैं टाइम टू टाइम। वही मिनिस्टर्स क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में हर एक मिनिस्टर नहीं आता, ठीक है, इसमें कुछ ही मिनिस्टर होते हैं, ओके। और उन्हीं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और एलोकेट एंड रीशफल पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो क्या होता है? होता है ना कि जो एजुकेशन मिनिस्टर किसको देनी है, ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर किसको देनी है। ये पोर्टफोलियो को रीशफल भी कौन करता है? ये प्राइम मिनिस्टर करेंगे और एलोकेट भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। और पीएम जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कभी भी रिज़ाइन देने के लिए भी कह सकते हैं। और कोई भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की अगर कोई मीटिंग होती है तो उसके हेड कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होती है उनकी बनी हुई वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ओके। और फिर जब नए पीएम आएंगे वो अपनी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को मेकिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होगी, अगर किसी पीएम की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देता है, तो उनकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब हम प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट से क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि जो भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के साथ जो भी डिस्कशन हुई वो प्रेसिडेंट को बताना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि एडवाइस करें प्रेसिडेंट को कि अटॉर्नी जनरल किसको बनाना है, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी किसको बनाना है, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।